अरे तुम लोग आ गए आ गए आ गए। भाई हम तो दो ही लोग हैं, आप तीन बारी क्यों बोल रहे हो? अरे वो छोड़, पहले मुझे ये बताओ कि कल जब शूट का पैकअप हुआ था तो मैं कपड़े चेंज करने अपनी वैनिटी वैन में गया था, तब मेरे समोसे से चटनी किसने ली? क्या वो तुम थे या तुम थी? तुम थे, तुम थी, कौन था? वरुण भैया आपको क्या हो गया है? सॉरी 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 यार, शट अप। वो क्या है, मैंने ना मम्मी के साथ बैठ के ना पूरी रात सीरियल देखा, मतलब वो देख रहे थे, मैं उनके साथ बैठ के देख ही जा रहा था। ये जो कैरेक्टर है ना यार, मतलब मेरे अंदर चला गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या करूं। भाई भाई भाई, आप ये लो एंटी सीरियल की गोली। एंटी सीरियल की गोली, थैंक्स। तो अपना काम शुरू कर लूं मैं? कर लूं प्लीज। सो हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन, जहां दो तोड़ू फनी फाइटर्स लड़ेंगे आपको हंसाने की जंग। तो हंसिए और इनको पॉइंट्स दीजिए लाफ्टर स्लाइडर पर, और साथ ही कीजिए सही प्रेडिक्शन और जीतिए बम्पर प्राइज। हमारे आज के जो दो फनी फाइटर्स हैं वो है अरीशा फ्रॉम कानपुर एंड इंदर सहानी फ्रॉम राजधानी। तो बुलाते हैं अपने पहले फनी फाइटर को। तो मैं कहता हूं इंदर भाई आजो और फोड़ दो। जब होगा राजधानी एक्सप्रेस के पंचेस का वार, बढ़ेगी आपकी हंसी की रफ्तार। आज वरुण भाई मेरे को रेडियो की बात करनी है यार। एक्चुअली मैं गाड़ी बहुत चलाता हूँ, ओला उबर में नहीं, वैसे ही। अच्छा। पैसा भी होता है लोगों के पास, ठीक है, कोई अपने शौक के लिए भी चला, लेकिन मैं ज्यादा गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ गाड़ी पे। और मेरी प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐड ना रेडियो पे नहीं आने चाहिए। जैसे कि? जैसे कि मैं जब गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी ऑन करे तो जो रेडियो पॉप अप हुआ था आवाज आई, गाड़ी में बैठते ही खुद से और साथ वाले से पूछे पहनी क्या, मैं कहा क्या और ऐसे कैसे पूछे। मैंने कहा कल को उसने मना कर दिया तो ऐसे आदमी को मैं गाड़ी में तो नहीं बिठा सकता। जब एड आगे चला और एड कंप्लीट हुआ तो पता चला सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं यार वो लोग। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एड था, मुझे लगता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले भी ना एड उनसे ही करवाते जिन लोगों को रेड में पकड़ते हैं वो लोग। और यार मैं आपको बताता हूँ, रेडियो पे ना घर बहुत बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, पता नहीं बन कब रहे हैं इतने। जैसे मैंने जो एड सुना, नोएडा सेक्टर 157 में लीजिए घर, मैंने चलते हाईवे पे हैंड ब्रेक खींचा है। मैंने कहा नोएडा को किसी ने बताया उसमें इतने सेक्टर हैं? अभी तक गोरखपुर नहीं लग जाना चाहिए था, ये सेक्टर ही बढ़ाए चले जाने। मैंने बताया, मैंने रेडियो इतना सुन लिया। ब्रह्म भाई मेरा फेवरेट गाना पता है कौन सा है? आतंकवाद को देंगे मात दिल्ली पुलिस के हम। मैं इतना सुन लिया रेडियो, इतना सुन लिया कि अब मैं रैंडम सब्जी वालों को जाके कह रहा हूँ, मैं कहा शैलेश भैया आपको पता है आप दिल्ली पुलिस के आंख और कान है। वो टिंडा फेंक के मारा, कहता साले सब्जी ले लो, उल जुल बातें मत करो हमारे साथ। मैं रेडियो की एक बात और बताना चाहता हूँ, खास बात, आप रेडियो कभी ना 11 बजे के बाद चलाओ रात को, ये लव गुरु आते हैं रेडियो आते, पे। आते, आते, आते। मैं भी सुनता हूँ कई बार। लेकिन ये एक बात भाई आपने नोटिस करी होगी, ये गहरी आवाज वाले लड़के रखे हुए हैं इन्होंने। गहरी आवाज वाले लड़के नहीं होते जो आते कहते हेलो। भाई साहब मजाक की बात नहीं है, दो बारी मैं सेट हुआ हूं ऐसे लड़कों से। तो एक बंदे ने फोन किया लव गुरु को, कह रहा है सर मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन वो शादी के लिए नहीं मान रही है। तो लव गुरु ने पूछा कि क्या दिक्कत है बताइए, कह रहा नहीं उसका पति नहीं मान रहा है। ऐसे कैसे नहीं मान रहा है, बिल्कुल मानेगा, हम बात करेंगे। तो कह रहा कैसे बात करेंगे, कह रहा बात करने से हर प्रॉब्लम सुलझती है, उनके पति से बात करिए। तो वो कह रहा हम कर तो रहे हैं। अब वही लव गुरु किसी दूसरे चैनल में जाके अपने टुकड़े सुना रहा है, कह रहा यार चली गई यार। और बाकी भाई जाने से पहले मैं एक चीज बस बताना चाहूंगा, आपके साथ अरीशा बैठी हुई है, अगर आपको पता लग रहा है बैठी हुई तो। मैं ये बड़े बड़े आप कैमरा फोकस करें आप इन पे, ये देखिए ऐसे ही भोले बच्चे होते हैं, कॉलेज में होने के बावजूद भी लिलीपुट जाके शॉपिंग करते हैं। और वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे को पेल रहे होते हैं, ये मैंने चुना है भाग। थैंक्स अ लॉट गाइस, माय नेम इज इंदर सहानी, यू विल लवली ऑडियंस। क्या बात है यार, तो ऑडियंस अगर इनके रेडियो की फ्रीक्वेंसी ने छुआ आपके दिल को तो दीजिए इन्हें पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पे। आपका समय शुरू होता है अब। यार ये जो गहरी आवाज के लव गुरु वाली बात करी है ना, मेरा भी एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने लव गुरु को फोन करा कि ऐसे ऐसे करके यार मेरे से वो बात नहीं कर रही है और मैं उसको पटाना चाहता हूँ, वो पट नहीं रही है तो आप मेरी हेल्प करिए। तो वो कहता है मुझे नंबर दीजिए मैं हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने नंबर दिया तो फिर हो गया।
मान गई भाई? नहीं नहीं, वो लव गुरु के साथ सेट हो गई। तो अब वो ना बेचारा उसको भाभी भाभी बुलाता है। क्या बात है। तो बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे दूसरे फनी फाइटर क्यूट सी अरीशा को। भाई एक मिनट भाई। अरे अरीशा, तुमने कॉम्प्लेन के बारे में सुना है क्या? सुना नहीं है, पिया भी बहुत है, सब मोमाया है। देखा, यही तो गलती कर दी ना आपको बेटा। कॉम्प्लेन का डब्बा ध्यान से देखना था, उस पे लिखा होता है कि लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। आपको पीना नहीं था, आपको उसके टीके लगवाने थे। सारा काम खराब कर दिया तुमने। अच्छा, आपने फेरन हैंडसम का नाम सुना है? हाँ, मैंने सुना और मैंने उसके टीके भी लगवा लिए। ठीक है। वही तो, टीके नहीं लगवाने थे, उसे मुंह पर लगाना था, कर दी ना गड़बड़। ओके भाई, मेरे को लगता है बैठ जाना चाहिए। हाँ भाई, बैठ जा। बुलाते हैं हमारे छोटा पैकेट बड़े धमाके को। अरीशा आ जाइए स्टेज पे और स्टेज हुआ आपका। बिना हंसी रह नहीं पाएंगे आप इनके कॉमेडी के वार से, क्योंकि ये है कानपुर के बिरादराने मिल्लत वाले परिवार से। इंदर भैया बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, सबको पता है। लेकिन आपको पता है मुझे इन्हें देख के किसकी याद आती है? की? मेरी खाला की। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, आदमी में दिक्कत है कि अंदाज में, ये मुझे नहीं मालूम। क्या बात। खैर, तो मैं हूँ अरीशा कानपुर से, और आज मैं बता रही हूँ कि आजकल ना एक नई चुल चली है जिसे हम कहते हैं फिटनेस। अंग्रेज चले गए, हम घर जाए। वो तो अपने अपने पे डिपेंड है। हाँ तो भाई, अंग्रेज चले गए लेकिन जिम छोड़ गए। ये लोग 1947 के पहले के नियम लेते हैं, पसीने भी बहाते हैं, मेहनत भी करते हैं, मजदूरी मिलती नहीं, पैसे अलग देने पड़ते हैं। ये तो बात है। यानी कि जिम, पहले बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे, अब स्कूल के बाद जिम जाते हैं। मसला ये है कि बॉडी पर ध्यान जाएगा भी तो कैसे, जब शक्ल देखने के बाद ही टेस्ट खराब हो जाना है तो अगला कोई जोखिम क्यों हटाएगा। और भाई साहब, जो कुछ नहीं करते वो जिम करते हैं। ये तो है। तो वरुण भाई, जो आपसे नहीं हुआ वो हमसे भी नहीं हुआ, फिटनेस के लिए जिम। क्या बात है। क्योंकि 28 किलो वजन निकलने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मेरा वक्त जिम जाने का हो रहा है या जनाजे पर। उसमें भी 10 किलो तो मेरे बालों का वजन था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ट्रेंड तो ट्रेंड है, फॉलो तो करना ही था। तो ठीक है भाई, हम गए जिम। वहां पर मैंने देखा कि इतनी भीड़ में सिर्फ एक ही बंदा था देखने लायक, सिर्फ एक, वो जिसका बैनर पूरे जिम में लगा था। उसको देखकर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि शाबाश, हम भी बॉडी बनाएंगे, हम भी वजन बढ़ाएंगे, हम भी ट्रॉफी लाएंगे। तभी ट्रेनर ने कहा, बेटा बच्चे जिम में नहीं आएंगे। कहते, तुम जिम करने आई हो कि डंबल बनने आई हो? तुमसे ज्यादा भारी तो हमारे प्रोटीन के डब्बे। मेरा आधा लीटर खून वहीं खड़े खड़े सूख गया। भाई मैं सबको कैसे बताऊं मैं बड़ी हूँ? हर साल बर्थडे का भी यही है, लोग कहते हैं उम्र तो तुम रहने ही दो, पॉन्ड्स एज मिरेकल, उम्र थमसी जाए, उम्र थमसी जाए। अब भाई उनको कौन बताए? मैंने बोला, मैडम जी मुझे प्लीज फिट कर दो। कहते, बेटा ऐसा है, तुम दो लोगों के साथ आओ तब तुम्हारा एग्जिस्टेंस कंसिडर करेंगे हम। तुम जिम नहीं करो, तुम पापा से चार टाइम खाने की जिद करो। क्योंकि ऐसा है कि जो काम भगवान से नहीं हो पाया वो हमसे क्या होगा। हद यार, हर कोई यही करता रहता है। बाकी लड़कियों को देखें आप, मनी प्लांट की तरह बढ़े जा रही हैं, खाए जा रही हैं। मनी प्लांट की दुकानों पे जाती हैं, भैया दो प्लेट तरी वाली बिरयानी रायते के साथ। ऐसी लड़कियों के इंस्टाग्राम पे यूजर नेम होते एब्सोल्यूट फिगर। सच में अल्लाह का खौफ कर लो, नॉट योर टाइप्स। तुम्हारा टाइप तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता, हमें क्या बता रही नॉट योर टाइप्स। इस कदर कॉन्शियस होती मेंटेनेंस के लिए जिम जाएंगी, उसी जिम में गड्ढा खोद लेंगी, गड्ढे में बैठ के डाइटिंग करेंगी, डार्क सर्कल की रेमेडी वीडियो बनाएंगी, लिखेंगी मैं हूँ #ब्लॉगर। तुम ब्लॉगर हो? तुम अगर ब्लॉगर हो तो ऐसी ब्लॉगर की प्रजाति पे खाक पड़े। और जहाँ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं ना, उस फैक्ट्री में आग लगा दो। मेरा नाम बताओ मेरा, मैं जोखिम उठा लूंगी, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बंद करो। अरे भाई जिम बड़े लोग करते हैं, जैसे अक्षय कुमार, 20-20 लोग एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं। या हमारे कानपुर में इतने जिम में नहीं आते जितने इनके पीछे भाग रहे हैं। और नहीं, मुद्दा भी है भाई, कानपुर में जिम का क्या अस्तित्व है? जो काम कट्टा दिखा के हो जाना है उसमें बॉडी क्यों दिखानी है? मेरा समझ नहीं आता। ये सारा आलिया जिम जाती, इनकी फोटोएं खिंचती निकलते हुए, मेरी भी खिंची थी। मैं जब जिम से बाहर निकली तो मेरी भी फोटो खींची थी, दूसरे दिन हेडलाइन भी आई थी। क्या
एक बच्ची जिम से बाहर पसीने में लथपथ पाई गई। खैर जिम से याद आया, स्टे हेल्दी, थैंक यू। अरीशा, कैसा लगा आपको अरीशा का एक्ट बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर, पॉइंट देकर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अरीशा वैसे एक बात बताऊं, तुमने अभी जिम की बात करी ना, मैं भी जिम जाता हूँ, वहाँ पे ना मेरी एक मशीन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट मशीन है वहाँ पे। कौन सी भैया? कोल्ड ड्रिंक वाली। जिम में कौन सी कोल्ड ड्रिंक मशीन? अरे जिम में नहीं, जिम के बगल में सोडा शॉप है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाली, भाई साहब काला खट्टा निकलता है उसमें मशीन में से। ओए होए, माइंड बोगल हो जाता है, बोगल। आपको दे दिए होंगे हमारी प्यारी जनता ने अब तक पॉइंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। इंदर आप भी आ जाओ जरा स्टेज पे। तो अब समय है आपका सही प्रेडिक्शन करने का कि कौन होगा आज की फनी फाइट्स का विनर। प्रेडिक्शन बैनर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। अरीशा, आपको वैसे पता है लीडर बोर्ड में इंदर आपसे ऊपर चल रहा है? इसे कैसे पता होगा भाई, 4 फीट से ऊपर देखने के लिए तो इसको सीढ़ी लगानी पड़ जाती है। देखा वरुण भैया, इनकी हर बात मेरी हाइट पे आके रुक जाती है। 2 इंच और होती ना मेरी हाइट तो कुछ भी नहीं बोल पाते, कॉमेडी पंचेस खत्म हो जाते इनके। और रहा सवाल बोर्ड का, तो कुछ दिन रुक जाइए, उसमें भी आपसे आगे हो जाऊंगी। बेटा ये कंपटीशन है, बस स्टॉप नहीं कि लेडीज फर्स्ट बोल के आपको पहली सीट मिल जाएगी। यहाँ टैलेंट से लोग आगे जाते हैं। हाँ हाँ, तो टैलेंट की ही बात कर रही हूँ। अरे अरे, बस ये दिखने में छोटी है, बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है। भाई बातें बड़ी बड़ी नहीं, बातें फनी फनी होनी चाहिए। अच्छे बेटे, मैं कहता हूँ इन लोगों का चलता रहेगा। तो आज के फनी फाइट्स का विनर कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। आप देखते रहिए, मैं चलता हूँ, प्रोड्यूसर से पैसे भी लेने हैं। जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक बच्चे लोग पैदा होते स्टेटस डालेंगे, arrived at papa ki godi, feeling wonderful after 9 months water journey. सबके साथ शोले फिल्म देख रहा, शोले फिल्म खत्म हो गई, हम सोने जा रहे, तो मैं जरा रोमांटिक हो गया, तो मैंने अपनी वाइफ को गब्बर की स्टाइल में बोला, ओ छमिया 2-4 ठुमके हमें भी दिखा दे।